गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मन हमारा मित्र कब है? जब हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को अपने अनुसार से चला रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं एक ही चाकू का प्रयोग दो अलग अलग लोग दो अलग अलग चीजों के लिए करता है, ठीक है। डॉक्टर उसी चाकू से सर्जरी करता है और उसी चाकू का उपयोग एक डाकू एक आतंकवादी मारने के लिए करता है। दोनों में ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मारने के लिए और सर्जरी करने के लिए दोनों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मारने के लिए बहुत अधिक ट्रेनिंग नहीं, लेकिन सर्जरी के लिए बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसी तरह मन को संयमित करने के लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता। मन को संयमित करने का अर्थ मैं मन के अनुसार ना चलूं, मन मेरे अनुसार चलूं। और यहां पर महत्वपूर्ण मैं किसके अनुसार चलूं, मैं शास्त्र के अनुसार चलूं, मैं शास्त्र के अनुसार से चलूं। ये हुआ मित्र हमारा, मन यहां पे हमारा मित्र है। अब मन हमारा शत्रु कैसे है? पहले मन हमारा मित्र है जब हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को हम अपने अनुसार से शास्त्र के अनुसार से अपने अनुसार से चला रहे हैं। अब मन हमारा शत्रु कैसे है? जब मन हमें कंट्रोल, मतलब जब हम मन की मर्जी करने लगे तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब जब हम मन की मर्जी कर रहे हैं, हम मस्ताना बन गए कि भाई अपनी मन मर्जी का मालिक हूं मैं, क्या कहते हैं उसको, मन मर्जी का मालिक है ना, तो क्या दिक्कत होगी? तब ये होगा कि हम हमेशा राग और द्वेष से प्रेरित होते हैं। और राग और द्वेष से जिस व्यक्ति राग और द्वेष जिस व्यक्ति में होता है उसका मन हमेशा उद्विग्न रहेगा, उसका मन हमेशा हर पल दुखी रहेगा, वो व्यक्ति जलता रहेगा। मन की अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, अविरोध प्रीति विरोध युक्त क्रोध, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, इस प्रकार से चलता है। और इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन की जो अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध है ना, ये चलता रहता है और इसके लिए मैं कहीं मतलब इस प्रकार से ये दोनों वर्क करता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी तो अपने बच्चों के ऊपर ही हम लोग कहने लगते क्या इसको तो जन्म नहीं देते, वही अच्छा था, मान बेकार है इसको जन्म देना। देखिए कभी कभी वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगा है आपको, फिर बाद में बहुत बुरा लगने लगा। ऐसा हाल एक समय ऐसा हाल था कि मैं आपसे मिले बिना मैं रह नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा हाल था कि मैं आपसे मिले बिना रह नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को, क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा हाल था कि हम आपसे मिले बिना रह नहीं सकते। और अभी ऐसा हाल हो गया है कि हम आपकी सूरत देखना पसंद नहीं करते। शुरुआत में तो बड़ा प्रेम लग रहा था, अब वही व्यक्ति से द्वेष होने लगता है। ऐसा क्यों होता है ना, आपने देखा होगा शुरुआत में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत ही अधिक प्रेम। और एक समय ऐसा होता है जब दोनों या फिर जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जिससे वो ममता है आपको, उसे आप देखना पसंद नहीं कर रहे। आखिर मतलब कुछ तो कारण होगा इसका, क्या कारण है? मन की अविरोध युक्त क्या प्रीति और विरोध युक्त है ना, ये मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि क्या कह रहे कि मतलब हाँ भाई आपसे मिले बिना हम रह नहीं सकते। एक ऐसा सिचुएशन होता है, हाँ तुम्हें देखे बिना मैं जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। और एक समय ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे सामने अपनी सगल मत दिखाना। ये ऐसा सिचुएशन क्यों होता है? ये बड़ी अजीब अजीब मतलब दृष्टि है। हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के अनुसार से हम कार्य कर रहे हैं। मन कह रहा था उस समय वो अच्छा था, हमें प्रेम आ रहा था। मन कर रहा है अभी क्या, उसे राग करने का, वो सही नहीं है। और मन हमारा उसको अच्छा कब मान रहा था, जब वो हमारी आदेश को मान रहा था। आज जो हमारे आदेश को नहीं मान रहा है, आज वो हमारे आदेश को नहीं मान रहा है, ध्यान रखिए आज से वो बुरा है। तुम मुझे पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इससे पहले तुम मुझे अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि आज तुमने मुझे इंद्रिय सुख देना बंद कर दिया, मेरे आदेशों को मानना बंद कर दिया, अतः अब तुम मुझे अच्छे नहीं। ये बड़ी अजीब